समान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है और 30 जून तक कमेटी ड्राफ्ट सरकार को उपलब्ध करा देगी। सरकार ड्राफ्ट मिलते ही उसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य ऐसा होगा जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड, जहां पर समान नागरिक संहिता लागू होगी। तो ड्राफ्ट मिलने के बाद कानून को लागू करने की तरफ आगे बढ़ेगी सरकार और एक बड़ी उपलब्धि भी इसे उत्तराखंड सरकार को लेकर माना जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा वादा किया था जनता से यूसीसी को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर। जब विधानसभा चुनाव थे उत्तराखंड में 2022 की बात हम कर रहे हैं, तो उसके बाद से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार सरकार जो है वो काम करती आ रही है। तो वहीं अब सीएम धामी की तरफ से बयान दिया गया कि 23 जून तक जो कमेटी बनाई गई थी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर वो रिपोर्ट तैयार कर लेगी और 23 जून के बाद जैसे ही ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को दे दिया जाएगा उसके बाद सरकार इसे लागू करने की जो कमेटी ने हमको अश्वर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ को लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्वर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ को लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कह दिया गया है कि 23 जून तक सरकार को ड्राफ्ट दे दिया जाएगा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी ने ड्राफ्ट लगभग तैयार कर लिया है। आपको बता दें कि जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, तो वहीं इस कमेटी की अध्यक्षता वो कर रही थी और 30 जून की तारीख जो है वो दी गई है कि 30 जून तक सौंप दिया जाएगा ड्राफ्ट सरकार को और जैसे ही कमेटी की तरफ से यूसीसी को लेकर यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता को लेकर जब ड्राफ्ट सौंपा जाएगा सरकार को तो सरकार तुरंत उसे लागू करने को लेकर आगे कदम बढ़ाएगी। ये बात कही गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से। और एक और खास बात ये इसमें कि अब उत्तराखंड पहला प्रदेश बन जाएगा देश का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, अगर ऐसा होता है तो। कमेटी ने लगभग ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, 23 जून तक बताया जा रहा है कि जो ड्राफ्ट है वो सरकार को सौंप दिया जाएगा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं सीएम धामी ने क्या कुछ कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, सुनिए। जो कमेटी ने हमको अश्वर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ को लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हमको अश्वर किया है कि हम 30 तारीख तक ड्राफ्ट तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम उस पर आगे कार्रवाई करेंगे कि समान नागरिक संहिता हमारे यहाँ को लागू हो और सबसे हम अपेक्षा करेंगे कि पूरे देश के अन्य राज्य भी उसको लागू करें। 30 जून तक हमको उसका ड्राफ्ट मिल जाएगा। जो कमेटी ने हम तो उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शफात अली, देखिए नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर अब लागू करने को लेकर सरकार की कवायद तेज हो चुकी है। बताया जा रहा है कि जो कमेटी गठित की गई थी वो 30 जून तक जो है वो अपना ड्राफ्ट सौंप देगी सरकार को। क्या कुछ ताजा जानकारी से लेकर एक बार विस्तार से बता दीजिए दर्शकों को। जी बसंत, देखिए जब भाजपा उत्तराखंड में सत्ता में नहीं थी तो जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो ये वादा किया गया था धामी सरकार की ओर से ही पूर्व में कि अगर वो सत्ता में दोबारा वापस लौटते हैं बिल्कुल तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जाएगा, यानी समान नागरिकता संहिता लागू की जाएगी। ये एक वादा था और जब धामी सरकार वजूद में आई, दोबारा से सरकार भाजपा की आई, तो इस पर सबसे पहले काम भी हुआ। बहुत सारे कानून उत्तराखंड में लागू किए गए लेकिन यूसीसी सबसे महत्वपूर्ण ऐसा था जिसमें एक कमेटी बनाई गई जिसमें उच्चतम न्यायालय की जो रिटायर्ड जज है रंजना प्रसाद देसाई उनकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। हालांकि 6 महीने में इसको रिपोर्ट सौंपनी थी और तमाम जितने भी प्रतिनिधि हैं संस्थानों से जुड़े हुए उन सब की इसमें राय ली गई थी, वो ऑनलाइन राय भी थी और अगर कोई वैसे राय देना चाहता है तो
फिजिकल बिल आई थी, लेकिन अब इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष हालांकि आरोप लगा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे कदम बढ़ते जा रहे हैं धामी सरकार के इस, और अब यूसीसी बहुत जल्द उत्तराखंड में लागू हो सकता है। हालांकि अभी 30 जून तक जो कमेटी है वो राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी पसंद, और उसके बाद राज्य सरकार इस रिपोर्ट को केंद्र सरकार के साथ साझा करेगा। और क्योंकि रिपोर्ट में बहुत सारे सुझाव आए हैं, 3.5 लाख सुझाव की बात करते हैं, इससे भी ज्यादा, और 60,000 ऑनलाइन सुझाव है, 4.5 लाख सुझाव कमेटी के पास है, और इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था क्योंकि सब लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा था, जो सुझाव है उनका सिलसिला लगातार आने का जारी था, तो इसलिए इसकी कमेटी का जो कार्यकाल था वो बढ़ाया गया था। लेकिन 30 जून तक अब एक समय निर्धारित किया गया है कि ये कमेटी, जो 5 सदस्य कमेटी है, राज्य सरकार को यूसीसी पर अपनी रिपोर्ट सौंप देगी, और उसके बाद राज्य सरकार केंद्र सरकार से इसको साझा करेगी, और उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री अलग अलग कार्यक्रमों में जब भाषण देते हैं तो वो हमेशा यूसीसी का जिक्र करते हैं कि उत्तराखंड इस और कदम बढ़ा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बसंत, के भारत के अंदर अगर सबसे पहले यूसीसी लागू होगा तो लगता है जिस तरह की कवायद राज्य सरकार कर रही है तो उत्तराखंड ऐसा पहला राज्य होगा, लेकिन अभी इसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारी चुनौतियों का सामना राज्य सरकार को करना पड़ेगा, कमेटी की रिपोर्ट का परीक्षण करना पड़ेगा, केंद्र सरकार से साझा करना पड़ेगा। जी ठीक है, बिल्कुल सही बात कही आपने शपातली की, उत्तराखंड जो है अगर ऐसा हो गया, यूसीसी अगर बन जाता है तो पहला राज्य बन जाएगा पूरे देश में। तो वहीं अगर बात करें शपातली, अगर ऐसा हो जाता है यूसीसी को लेकर केंद्र की तरफ से भी मंजूरी आ जाती है, तमाम चुनौतियों से अगर सरकार जो है पार पा लेती है, तो क्या मायने देखते हैं आप समान नागरिक संहिता के उत्तराखंड में? देखिए, समान नागरिकता संहिता अगर लागू हो जाती है, क्योंकि इसकी चर्चा देखिए केंद्र सरकार भी करती रही है, राज्य सरकार जो भाजपा की जहां जहां सरकार है वहां भी होती रही है, लेकिन बहुत आसान रास्ता नहीं है। देखिए बसंत, इतना आसान भी नहीं है जितना इसको कहा जा रहा है। बहुत सारी चुनौतियां, वो चाहे राज्य सरकार अगर यहाँ लागू करना चाहे केंद्र सरकार के परमिशन से या अनुमति से, क्योंकि बहुत सारे संवैधानिक मामले इसके तहत होंगे, लेकिन बहुत आसान नजर नहीं आता है, बहुत सारा विरोध राज्य सरकार को झेलना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि उस वक्त ये कहा जा रहा था कि चुनाव है, इसलिए धामी इस तरह की बात कर रहे हैं और भाजपा इस तरह की बात कर रही है, चुनाव में लोगों को प्रभावित करने के लिए इस तरह के वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे ही वजूद में धामी सरकार आई, मुख्यमंत्री बने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उसके बाद से ही ये चर्चाएं और तेज हो गई कि अपने वादे को कब पूरा करेंगे, और धीरे धीरे, क्योंकि 6 महीने का वक्त था इसमें, कमेटी जो बनाई गई थी और सबके जो है सुझाव इसमें लिए गए थे, हालांकि अभी 30 जून को जब कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी तो हो सकता है कि उस रिपोर्ट को परीक्षण करने के बाद इसमें कुछ और संशोधन हो, जो कमेटी की या सदस्यता है, जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल को थोड़ा सा बढ़ाया जाए, कुछ और सुझाव इसमें शामिल किए जाए। तो ऐसा तो नहीं है कि 30 जून को ये लागू हो जाएगा, जैसे ही कमेटी रिपोर्ट देगी राज्य सरकार को ये लागू हो जाएगा। संवैधानिक तौर पर बहुत सारा प्रोसेस करना पड़ेगा इसमें, केंद्र सरकार की बिना अनुमति के, बिना परमिशन के, या फिर केंद्र सरकार से बिना साझा किए तो नहीं हो सकता, नहीं संभव है। उसके साथ ही विपक्ष इस पर बहुत सवाल उठाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल शपातली, सही कहा आपने, प्रक्रिया बड़ी है और चुनौतियां बेहद ज्यादा हैं सरकार के सामने, तो देखने की बात होगी कि क्या कुछ रहता है।